जो भी काम करना होता है ना वो मुझे पूछना पड़ता है कि मैंने किधर को जाना है, कैसे काम करना है। कभी मैंने कैसे काम करना है, किधर को जाना है, ये सारा कुछ मुझे दूसरों से जो है ना वो लेनी पड़ती है, फैसला लेना पड़ता है। मैं उनके फैसले पे चलती हूँ, मेरा अपना कोई फैसला। कभी मुझे परेशानी है कि मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, उनकी डिजीज की जो है ना वो उसके मतलब परेशान रहती हूँ, बच्चों के मतलब भी परेशानी रहती है, उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। आप ये क्यों सोचती हैं? कभी देखिए कल बहुएं आ जाएंगी तो उन्होंने भी तो घर में रहना है, तो फिर क्या वो बहुएं अपना काम करेंगी? कभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि बहुओं पे ये बोझ डालूं, मैं खुद ही कर लूँ। मैं बहुओं पे बोझ नहीं डालना चाहती, मैं चाहती कि मैं खुद ही इसको करूँ। और कहती मैं दूसरों के लिए जो जो करती हूँ अपने खाला के घर में किया था, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता। मैंने क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि बस अब जो है ना थोड़ा सा मेरे में कमजोरी आ गई है और इस कमजोरी की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मैंने कहा फिर आप रेस्ट कर लिया करें। कहती नहीं, रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो काम है ना ये तो ज़रूरी है, रोज़ करना पड़ता है। अगर नहीं करूँगी तो फिर जो है ना काम का बोझ बढ़ जाएगा। सर यहाँ पे कौन सी मेडिसिन सामने आ रही है, कौन सा केमिकल सामने आ रहा है? हाँ देखिए ना, मिनरल्स की तरफ आया है। पहले तो मिनरल्स लग रहा था, लेकिन अभी ये लग रहा है कि जैसे ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है। वो पॉइंट बताएं जहाँ पे मिनरल लग रहा था, जहाँ से एनिमल कन्वर्ट हो रहा था, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती और वो फैमिली ओरिएंटेड लग रही थी, तो वहाँ तक लग रहा है कि पेशेंट जो है वो मिनरल्स में है, बट अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ है। सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड काली नहीं होते, जितने भी मेहमान होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, और उनको उनके अंदर मदरिंग इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होती है, और उनको मदरिंग इंस्टिंक्ट मिली भी नहीं होती। वैसे ये भी हो सकता है, ये भी कंडीशन है, मदरिंग केयर जो है, जो मदर का जो प्यार है उसके लिए महरूम होना, या उनके अंदर उस इंस्टिंक्ट का बहुत ज़्यादा होना, ये मैमल्स हैं। और इसके अंदर कंपटीशन है, ये एनिमल और मैमल, अगर कंपटीशन ना होता तो ये फिर आपको काफ़ी बार डिस्कस करते। अच्छा क्योंकि आप यहाँ पे वो कुछ और सिचुएशन है, मैं दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है जब मैं काम करती हूँ, तो अब जो है काम मेरे लिए करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा फिर आप जब खाला के घर में रही थी तो आपकी वादा ने छोड़ दिया, आपके वालिद ने भी आपको कोई केयर नहीं की, या उसने बड़ा एक वर्ड बोला था, कहती मैं कितनी बार बदकिस्मत हूँ, मैं कितनी बार किस्मत हूँ कि बाप को बाप नहीं कह सकी और माँ को माँ नहीं कह सकी, मैं कितनी बार किस्मत हूँ कि बाप को बाप नहीं कह सकी और माँ को माँ नहीं कह सकी। और कहती यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ है मेरे ऊपर जो आज भी लगा, यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ है जो आज भी मेरे पे लगा हुआ है। उसके बाद आंखों में आंसू आए, तो यहाँ पे केस का एंड था। एंड ये था क्योंकि डॉक्टर साहब आज जो मैंने आपको बातें बताई ना, तो ये आप किसी को बताना ना, मैंने अपना बोझ थोड़ा सा हल्का किया है, और लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक हो जाना है। ये बात आज तक मैंने अपने हस्बैंड अपने किसी नॉलेज को किसी को नहीं बताई, और मैं ये बोझ जो आपको दे रही हूँ इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नहीं बताएंगे। और मैं आज के बाद मुझे लग रहा है कि मैं बगैर दवाई के ठीक हो। सर अब इसमें म्याज और देखिए कैसे वो मिनरल से निकल के केस एनिमल में गया, क्योंकि हमें तो नहीं पता था एनिमल, हम तो इसको मिनरल में ही पकड़ के रखना था। बिगनिंग से वेरी स्टार्ट में था वो पेशेंट सोर्स बोली जा रहा है, तो मैं कहता हूँ जब पेशेंट सोर्स बोले तो हर चीज़ बाईपास हो जाती है।
जो है उसको बोझ ही होता है ना, मजलूमियत होती है, बदकिस्मत ही होती है, माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला। सेकंड केस एक हमारा पर मुकदमा था, वो डॉक्टर साहब प्रेजेंट कर देंगे। जी पहले मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि हम लोगों के हमने अभी तक जितने भी केसेस हम लोग ले रहे हैं वो सब सेंसेशन मेथड पे ही ले रहे हैं, लेकिन होता है कि हम लोग एक जगह पे जाके जो है वो सब कर जाते हैं, वो इसलिए कि हमारे पास सारा मटीरियल नहीं है, अभी हम सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सके हैं। मिनरल्स तो हम लोगों ने बहुत अच्छा देख लिया, लेकिन अभी एनिमल्स नहीं है हमारे पास, प्लांट्स नहीं है, तो जहाँ पे हम लोगों को क्लियर होती है वहाँ पे हम लोग केस घूम कर लिख देते हैं, रोक देते हैं उसको। तीन चार केसेस हमारे ऐसे हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें प्रोग्रेस भी मिली है, और लेकिन वो केस जब जिस तरह हमारा होता है वो यहीं पर है, तो वो इंशाल्लाह कभी वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी डॉक्टर राजा जो हैं वो अपना केस जो है हमारा वो प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, और उसमें जो हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली, 4 मंथ्स हो गए हैं अभी पेशेंट जो है वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री है, और बिल्कुल जो है वो उनकी जो चीफ कंप्लेंट्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, ऑब्जर्वेशन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मेडिसिन फ्री है वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो उसकी अभी जो क्वेश्चन आंसर पेशेंट से जो थे हमारे, वो तो अभी हम लोग आपको उस तरह से नहीं बता सकेंगे जैसे कि डॉक्टर ताहिर ने प्रेजेंट किया, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हाईलाइटेड चीज़ें थी जिसमें हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो हम आप लोगों को बताएंगे। दबाव आया, बोझ आया, उन्होंने उसी को पकड़ के आगे चले गए, और उस दबाव और बोझ को समझने लग गए कि इस दबाव का क्या रोल है इनकी लाइफ में। यही वो वर्ड्स हैं जो आप उसमें पढ़ते हैं, जब उन्हीं फुट स्टेप को आपने फॉलो किया पेशेंट चंद मिनटों के बाद आपको डायरेक्ट वही सोर्स बोलना शुरू हो गया जो मैं था, मतलब पेशेंट कहते जो मैं हूँ।